Hello traders, welcome to your channel Chat with Trade. I hope you all are making money in this market. इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक के लिए मैं दो स्टॉक सिलेक्शन किया हूं और दोनों स्टॉक का हम डिटेल्स में चार्ट एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप चार्ट विद ट्रेड एकेडमी का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इस हफ्ते का जो पहला चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक है, स्टॉक का नाम है स्किपर लिमिटेड। और यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हूँ, वीकली टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हूँ। हमारा व्यू यहाँ पे मिनिमम 3 मंथ से ऊपर है, इसीलिए हम यहाँ पे चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। अगर आप स्टॉक का चार्ट को देखेंगे तो जो 73 का प्राइस लेवल है, इस स्टॉक के लिए मेजर रेजिस्टेंस लेवल था। देखिए, 3 बार इस लेवल से प्राइस को रिजेक्शन मिला था। और यहाँ पे मैं वॉल्यूम चार्ट ऑन कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो ब्रेकआउट आया था यहाँ पे जो 73 लेवल को, यहाँ पे एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम के साथ वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे ब्रेकआउट आया था। और जो उसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था 73 को, यहाँ पे ब्रेक किया था। और ब्रेक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे प्राइस ने हाई लगाया था 98 के आसपास। उसके बाद लगभग प्राइस यहाँ पे 2 महीने से करेक्शन कर रहा है और अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है। क्योंकि मैं आपको हमेशा से बताया हूँ कि जब भी प्राइस कोई भी मेजर रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करता है, प्राइस जब पुल बैक करेगा, जो पहले यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस जोन था, अभी के लिए वो मेजर रेजिस्टेंस जोन एक्ट एज ए सपोर्ट जोन। एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसा हुआ है और प्राइस यहाँ से बाउंस किया है। और डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा, देखिए एक अच्छा बुलिश कैंडल यहाँ पे बना है और एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बुलिश कैंडल बना है। और यहाँ पे अगर मैं 200 डे का मूविंग एवरेज को आपको दिखाऊंगा, देखिए जो रेड लाइन जा रहा है यहाँ पे, ये 200 डे का मूविंग एवरेज, और जो प्राइस यहाँ पे चल रहा है उसके ऊपर चल रहा है, जो कि एक बुलिश साइन है। और प्राइस के लिए एक और एक रेजिस्टेंस जोन था यहाँ पे 74 के आसपास। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेन लाइन डाल लूंगा, यहाँ पे देखिए कि मैं ट्रेन लाइन लगाता हूँ, ये जो 80 के आसपास जोन था, देखिए जो ट्रेन लाइन यहाँ से नीचे की ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे 80 के आसपास उसको रेजिस्टेंस जोन था। तो मैं पहले इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को डिलीट कर लेता हूँ। देखिए प्राइस को अभी ऑलरेडी जो ट्रेन लाइन यहाँ पे जा रहा था, अपर ट्रेन लाइन, जिसको प्राइस यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस पहले मिल रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट किया। उसके बाद देखिए एग्जैक्टली यहाँ उस ट्रेन लाइन के आसपास प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लिया है और नीचे से घूमकर उसके जो रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे एक बुलिश सिनेरियो दिखाई दे रहा है। अगर प्राइस यहाँ पे पहला तो एक हॉरिजॉन्टल बाउंड्री का ब्रेकआउट आया है, उसके साथ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आया है। अगर हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए प्राइस के लिए अभी जो सपोर्ट लेवल रहेगा, ये सपोर्ट लेवल अभी के लिए बनेगा, वो लेवल यहाँ पे रहेगा 70 के नीचे। ये जो प्राइस चार्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे वीक हो सकता है अगर प्राइस 70 के नीचे जाकर सस्टेन करता है तो अभी के लिए प्राइस के लिए 70 का लेवल जो है एक इम्पोर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जैसा काम करेगा। और यहाँ पे जो टारगेट बनेगा, प्राइस का टारगेट यहाँ पे बन सकता है, देखिए यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, प्राइस अभी यहाँ पे डायरेक्ट जाएगा 125 तक। अगर 70 के लेवल के नीचे प्राइस क्लोजिंग नहीं देता है तो प्राइस के लिए अभी टारगेट बन रहा है 125। एक बार पहला टारगेट रहेगा 125 का, 125 के ऊपर सस्टेन करने पर दूसरा टारगेट रहेगा 200 का, उसके बाद हम फिर से चार्ट रिव्यू करेंगे। अभी के लिए लेटेस्ट 2 टारगेट बन रहा है, पहला 125 एंड दूसरा 200 का। इस दोनों टारगेट के लिए आप इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं एंड आपको सपोर्ट लेवल जो है 70 का लेवल एक्ट एज ए इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। और जो हमारा दूसरा चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक है, स्टॉक का नाम है ओडिशा मिनरल। देखिए इस स्टॉक के लिए जो मेजर रेजिस्टेंस जोन पहले था वो था 2750 से 2650। इस जोन में प्राइस को बार बार देखिए यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा था। पहले देखिए ए लेवल जो था पहले सपोर्ट था, प्राइस यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद देखिए यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिला, प्राइस इसको फिर से ब्रेकआउट किया, फिर से उसके नीचे गया। अभी के लिए प्राइस ये जोन जो है रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा था। उसके बाद जो यहाँ पे था 31 मई का वीक जो था, यहाँ पे प्राइस ने उसको हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे देखिए उसको ब्रेकआउट किया। और ब्रेकआउट करने के बाद देखिए मैं आपको पहले ही बताया हूँ, पिछले चार्ट में भी बताया था, जब भी प्राइस कोई भी मेजर रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करता है, प्राइस जो पुल बैक करेगा वही रेजिस्टेंस जोन अभी के लिए एक्ट एज ए सपोर्ट जोन। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली इस लेवल एक्ट एज ए सपोर्ट जोन जैसा काम कर रहा है और प्राइस यहाँ से बाउंस किया है।
तो क्योंकि अभी पुल बैक कैटेगरी में जा रहा है, तो इसीलिए प्राइस ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है। जो लेटेस्ट उसका हाई बना था 3800 का हाई बना था, करेक्शन करके यहाँ पे लो बनाया था प्राइस का, वो था 2662 का। तो यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है। प्राइस यहाँ पे जो पैटर्न वीक होगा जब प्राइस 2600 के नीचे क्लोजिंग देगा, तो प्राइस के लिए 2600 का जो लेवल है अभी के लिए आठ आज इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल। और यहाँ पे स्टॉक का जो टारगेट बन सकता है, पहला बन सकता है जो लाटेस्ट हाई बना है 3800 का। तो लाटेस्ट हाई जो बना है 3800 का, ये हाई को प्राइस टच करने की कोशिश करेगा, और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है प्राइस जा सकता है 4900 के आसपास। तो पहला टारगेट यहाँ बन रहा है 3800 और दूसरा टारगेट बन रहा है यहाँ पे 4900। इस दोनों टारगेट को प्राइस अचीव करने के लिए कोशिश कर सकता है, क्योंकि उससे पहले कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो इस लेवल जो बहुत दिनों से इस रेंज में प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा था, उसके बाद प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा पुल बैक सपोर्ट जोन के आसपास मिल रहा है। अगर प्राइस 2600 के नीचे नहीं जाता है, इसके ऊपर ही सस्टेन करता है, तो यहाँ पे प्राइस को 4900 के आसपास भी प्राइस जा सकता है। आप इस दोनों स्टॉक को आपके राडार में रखिए, उसके साथ आपका रिस्क रिवार्ड क्वांटिटी मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना है। देखिए चार्ट पैटर्न कितना भी अच्छा हो जाए, आपका रिस्क रिवार्ड क्वांटिटी मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट ऊपर हमेशा से फोकस करना है। विदाउट आपका क्वांटिटी मैनेजमेंट आप कभी भी शेयर मार्केट में सर्वाइव कर नहीं पाएंगे। तो आपको स्ट्रॉन्ग चार्ट के ऊपर फोकस करना है एंड आपका टाइम होरिजन थोड़ा बड़ा रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे वीकली चार्ट में एनालिसिस कर रहे हैं। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड कुछ डाउट है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।